पापड़ी चाट, चटपटा पापड़ी चाट बनाने की विधि। पापड़ी लेकर उसके ऊपर मीठी इमली की चटनी ऐसे चम्मच से लगा लें। इसके ऊपर उबले हुए आलू के टुकड़े, इसके बाद फिर ऊपर से पुदीने की चटनी, फिर कटे हुए प्याज, टमाटर, खीरा, अब मीठा दही जिसे हमने दही और थोड़ी चीनी डालकर फेंटा हुआ है। इसके ऊपर अब हॉट सॉस, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, थोड़े सेव, अब दोबारा मीठा दही, मीठी की चटनी, थोड़ी सी पुदीने की चटनी, आखिरी में बस हरा धनिया और तैयार है आपका पापड़ी चाट। पापड़ी चाट बनाने का एक और सरल और आसान सा तरीका है, देखिए इस तरह। ऐसे खोखले समोसे आपको बाहर बाजार में मिलते हैं, इसे बस हाथों से ऐसे तोड़कर इसमें उबले हुए आलू के टुकड़े, प्याज के टुकड़े, टमाटर, खीरा, मीठा दही, हरी चटनी, मीठी इमली की चटनी, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और खूब सारा सेव छिड़क कर साथ में बूंदी, मसालेदार पोहा और बस हरा धनिया डाल लें और बस तैयार है आपका पापड़ी चाट या दही पापड़ी चाट। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों को खिलाएं और उनके साथ एंजॉय करें।